नमस्कारम, स्वागत है फिर से आपका परासर एकेडमी का ये जो साइंस का लेक्चर सीरीज है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। लाइक जरूर करें, वो मेरी गुरुदक्षिणा है, और दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इनिशिएटिव है लोगों तक पहुंच सके और लोगों को बेनिफिट मिल सके। सो स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें मैंने लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन बता रखा है। फिर मैंने डिफरेंट लाइफ प्रोसेस जो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इनके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रखा है। न्यूट्रिशन हम ढंग से डिस्कस कर रहे थे, जहां पे न्यूट्रिशन के डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन और फिर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे हम पूरा फोकस किए हुए थे। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैं पिछले वीडियो में फोटोसिंथेसिस के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस में क्या इवेंट्स होते हैं, वो डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और आज हम पहुंच गए हैं डिस्कस करने के लिए आपका जो टॉपिक है क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, लीफ का क्रॉस सेक्शन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि लीफ के क्रॉस सेक्शन को पढ़ने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है यहाँ पे लीफ के क्रॉस सेक्शन को पढ़ने की। और आपके लैब में भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया जाएगा जहां पे आप लीफ के क्रॉस सेक्शन की स्टडी करोगे। तो लीफ का क्रॉस सेक्शन जो है वो आपको बताता है कि एक्चुअल में जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो कैसे लीफ के अंदर परफॉर्म होता है, लीफ में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो उन कंपोनेंट के बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपोनेंट की लिस्ट मैंने यहां पे दे रखी है। लीफ, जब क्रॉस सेक्शन आप लीफ का निकालोगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस दो होता है, एक अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इट मींस की खाल, आप ऐसे समझ सकते हो कि एपिडर्मिस इट मींस की खाल, जैसे हमारा स्किन होता है एग्जैक्टली लेयर, स्किन उसके नीचे क्या है मसल। ऐसे ही प्लांट में जो लेयर है वो लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एंड एपिडर्मिस दो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस क्या होता है, अपर आपके स्किन का काम क्या है, जो इंटरनल ऑर्गन है उनको क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और आपके बॉडी से एक्सेसिव वाटर लॉस ना हो, थोड़ा बहुत स्वेट यानी पसीना निकले इसका क्या करना, रेगुलेट करना। एग्जैक्टली स्किन के साथ आप कंपेयर करो एपिडर्मिस को, तो अपर एपिडर्मिस का काम है लीफ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एज वेल एज ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करना। अपर एपिडर्मिस, आप नया लीफ कोई अगर किसी प्लांट का एक नया लीफ तोड़ना और तोड़ के आप हल्का सा उसको रब करने की कोशिश करोगे तो ऊपर से आपको एक पतला सा पॉलिथीन का लेयर जैसा आपको दिखेगा, वो जो पतला ट्रांसपेरेंट लेयर जो होता है ना उसी को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, ठीक है। अब लोअर एपिडर्मिस में सारे कंपोनेंट होते हैं आपके जो लीफ के जो बाकी कंपोनेंट है लोअर एपिडर्मिस में, आप एस्ट्रोमेटा एंड गार्ड सेल, ये हमारे क्या है सिलेबस का पार्ट है। एस्ट्रोमेटा मैंने बताया था प्लुरल वर्ड है, एस्ट्रोमा सिंगुलर वर्ड है, यानी लीफ में बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे लीफ में पोर्स होते हैं, जो पोर्स क्या करते हैं रेगुलेट करते हैं, किस चीज को, मटेरियल एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। अब आप सोचोगे कि मैं मटेरियल एक्सचेंज वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि एस्ट्रोमेटा से आपका एक फर्स्ट कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो प्लांट में होता है यानी एक्सेस वाटर जो प्लांट के पास होता है वो एस्ट्रोमेटा के थ्रू क्या होता है बाहर निकलता है। एक्सेस वाटर क्या होता है एस्ट्रोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है, एंड
साइमल्टेनियसली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, दो मटेरियल इवन ऑक्सीजन भी बाहर जाता है एस्टोमेटा के थ्रू, तो मटेरियल के क्या होता है एक्सचेंज होता है एज वेल एज ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है एस्टोमेटा आपके प्लांट के लीफ का, ठीक है। तो एस्टोमेटा की ये फंक्शनैलिटी हो गई, देन आता है गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देखो यहाँ डायग्राम में दिखाने की कोशिश किया मैंने, एक लीफ का क्रॉस सेक्शन का एनसीईआरटी डायग्राम, आप उसको पढ़ लेना, और ये भी डायग्राम है बट इसको ज्यादा डिस्कस करना था इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया। ये जो बीन शेप आपको दिख रहा है, ये जो बीन लाइक शेप दिख रहा है, ठीक है, ये जो बीन लाइक शेप दिख रहा है दिस इज गार्ड सेल। ये क्या है आपका, गार्ड सेल है। गार्ड सेल के ऊपर जो ग्रीन डॉट्स होते हैं उन ग्रीन डॉट्स को क्या बोलते हैं हम, आपको पता है कि लीफ में जो ग्रीन डॉट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन डॉट्स। और ये जो बीच में ओपनिंग है, ये जो बीच में ओपनिंग है ये क्या है आपका, यही है एस्टोमेटा। क्या है ये, एस्टोमेटा, जो कि क्या करता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है, यानी एक्सेस वाटर जो प्लांट में है उसको एनवायरमेंट में रिलीज करता है, साइमल्टेनियसली क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इन कराता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गेन करता है वाटर लूज करता है एज वेल एज ऑक्सीजन भी क्या करता है लूज करता है। तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहां से होता है, एस्टोमेटा से होता है जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल के बारे में बताया मैंने, इट इज अ बीन लाइक स्ट्रक्चर, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है विच रेगुलेट द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, विच रेगुलेट द मटेरियल एक्सचेंज, विच रेगुलेट द मटेरियल एक्सचेंज इन द लीफ ऑफ द प्लांट। प्लांट के लीफ में जो मटेरियल एक्सचेंज है वो गार्ड सेल रेगुलेट करता है। देन हाउ द गार्ड सेल रेगुलेट द मटेरियल एक्सचेंज इन द लीफ, गार्ड सेल कैसे करेगा, देयर इज अ वन कीवर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, दैट इज द टर्जिडिटी। क्या है वो, टर्जिडिटी, टर्जिडिटी है। व्हाट इज टर्जिडिटी, टर्जिडिटी का मतलब है कि जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर में, जो किशमिश होता है किशमिश को आप क्या करोगे, जब वाटर में आप डालोगे तो क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, वो स्वेल करेगा, ठीक है। तो जितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा उतना बोलेंगे कि वो जो किशमिश है वो क्या हो गया, टर्जिड हो गया, उसकी टर्जिडिटी उतनी बढ़ती जा रही है, वाटर कंसेंट्रेशन बढ़ेगा इट मींस की टर्जिडिटी बढ़ेगी। जितना ज्यादा गार्ड सेल टर्जिड होता है उतना ज्यादा क्या होता है, स्टोमेटा के स्टोमेटा ओपन होता है, खुलता है, यानी गार्ड सेल में वाटर कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, स्टोमेटा ओपन होगा, वाटर बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। तो बेसिकली रेगुलेट कौन कर रहा है, गार्ड सेल कर रहा है। एक और चीज, गार्ड सेल ऑल्सो फ्रेम द सेल वॉल ऑफ द लीफ, लीफ का जो सेल वॉल है वो कौन फ्रेम करता है, गार्ड सेल फ्रेम करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोमेटा, द गार्ड सेल एज वेल एज एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस। आगे बढ़ते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया एस्टोमेटा में कैसे ट्रांसपीरेशन होता है, कैसे मटेरियल एक्सचेंज होता है, पूरा मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, या नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, यानी किन कंडीशन में फोटोसिंथेसिस होगा। तुम्हें पता है फोटोसिंथेसिस का, अगर आप क्या करते हो केमिकल इक्वेशन रिकॉल करते हो फोटोसिंथेसिस का, याद करो फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन क्या था हमारा, फिर से एक बार मैं रिवाइंड कराता हूं, CO2 ठीक है प्लस वाटर क्या होता है, कंबाइन होके कहां पे, सनलाइट, मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा, क्लोरोफिल, और क्या देता है C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी मैं बैलेंस करके दिखा चुका हूं, 6 12, फिर यहां पे 6 एंड 6, ठीक है। तो बेसिकली ये जो केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होने के लिए आपको दो चीज तो याद ही रहेगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने सनलाइट मेंशन नहीं किया, पांचवा आप क्या करोगे, सनलाइट मेंशन कर दोगे, सनलाइट भी होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, मैंने यहां पर लिख रखा है क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। एक और टर्म आता है दैट इज द रॉ मटेरियल, मैंने क्या मेंशन किया है, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल में आपको क्या दिख रहा है, रॉ मटेरियल दिख रहा है नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम।
बच्चों प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा जा चुका है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल जो रूट से वाटर में डिजोल्व होकर जो मिनरल जाते हैं उन्हीं मिनरल में आपको क्या मिलता है, नाइट्रोजन, आयरन, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। ये क्यों जरूरी है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए हमें इन रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। एज वेल एज मैं बता रखा हूं कि हर एक लाइफ प्रोसेस जो है वो क्या होता है, सर्टेन एंजाइम की वजह से परफॉर्म होता है। ठीक है, अब ये न्यूट्रिशन है, इट्स ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस है, किसी न किसी एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, ये परफॉर्म करेगा, ये एग्जीक्यूट होगा। तो उस एंजाइम के लिए आपको क्या चाहिए, ये रॉ मटेरियल चाहिए। इनडायरेक्टली आप ऐसे समझ सकते हो। तो आज क्या हमने ये टॉपिक डिस्कस किया, अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करके जाए, गुरुदक्षिणा है, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू, मिलते हैं हम फिर अगले अपने एपिसोड में।